बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू और बैंगन का सालन, और वो भी मट्टी की हांडी में। और ये गांव में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मट्टी की हांडी में बने तो क्या ही बात है, तो चावलों के साथ ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है गांव में। ये किस तरह बनाया जाता है, आइए आपसे भी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, वो हांडी के अंदर हमने शामिल कर लिया, गर्म हो गया। इसमें प्याज शामिल करेंगे, जितनी देर हमारा प्याज ब्राउन होता है उतनी देर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अदरक, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक भुन चुका है, लहसुन और अदरक को थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही सब्ज मिर्च भी शामिल कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को, और जो लोग पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान को ज़रूर क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, ये जितनी हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, माशाल्लाह से मसाला बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मैं तो कभी कभार इस मसाले के साथ भी रोटी खा लेता हूँ, बहुत ही मज़ा आता है खाने का। आप भी कभी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। अब बैंगन शामिल कर देंगे, बैंगन अगर आप छिलका उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं।
बैंगन हमारे भुन चुके हैं, अब आलू शामिल कर देंगे। बैंगनों को पहले भून लेना। हम चावलों के साथ बना रहे हैं इसलिए हम इसका शोरबा भी बनाएंगे। और अब हम पानी शामिल करेंगे। अब आलूओं को गलने देंगे। माशाल्लाह आलू हमारे गल चुके हैं, तकरीबन 20 मिनट लगे हैं और ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया। हमने शोरबे वाला बनाया है, अगर आप खुश्क रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, चावलों के साथ वो भी खाया जाता है, लेकिन हम शोरबे वाला पसंद करते हैं। अम्मी और अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे भी शोरबे वाला ज़्यादा पसंद है, ख़ासकर चावलों के साथ। अभी सालन हमारा बिल्कुल रेडी है, इसमें हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया शामिल किया, अब थोड़ा सा गरम मसाला, अभी हम नीचे उतारेंगे। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैंने थोड़ा सा चेक किया, बहुत ही मज़ेदार बना है। अभी हम लगे हैं खाने शाम का खाना। ये रहा हमारा बैंगन और आलू का सालन और ये चावल रहे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जी कैसे बने? बड़ा ही मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ है और चावलों के साथ ये पूरी कनाली हमने खा ली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मुकर्रम सलीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।